हमारे रायगढ़ ज़िले में केलो नदी प्रमुख नदी है और सारा रायगढ़ जो है इसके पानी पर आश्रित है। इसकी खास करके इसकी दुर्दशा को देखकर चिंता हुई और सबसे पहले हमने इसके उद्गम से संगम तक पर यात्रा की। केलो नदी का उद्गम के पास एक गांव है, गांव का नाम बाहर लोड़े, वहाँ से निकलती है और लगभग 97 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उड़ीसा के ग्राम केलवी में जाकर इसका संगम होता है। केलो के बारे में एक खास बात मैं कहना चाहूँगा, केलो नदी अपने आप में प्राकृतिक रूप से फिल्टर हो गया। जैसे हम लोग बचपन में किताबों में पढ़ते थे पानी को शुद्ध करने का क्या तरीका, तो उसमें लाइम स्टोन चाहिए, कोयला चाहिए और क्वार्ट्ज मिट्टी चाहिए, मड चाहिए, तो वो इतना अच्छे तरीके से उसमें जब केलो नदी निकलती है तो शुरू में रेड ऑक्साइड है, फिर लंबी दूरी तक जो है वो लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन के बाद लंबी दूरी तक कोयला ही कोयला है और रायगढ़ पहुँचते हुए क्वार्ट्ज। तो अपने प्राकृतिक तरीके से पानी जो है शुद्ध होकर जो है रायगढ़ आते हैं। केलो नदी के बारे में काफ़ी बड़ा बदलाव देखते हैं, एक तो प्रदूषण बहुत बढ़ गया उसमें, दूसरा पानी की मात्रा भी कम हो गई, क्योंकि जब 95 में जब पहली बार पदयात्रा किए थे तो उसमें इंडस्ट्री वगैरह इतना नहीं था और इसके बाद धीरे 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 जो है वो इंडस्ट्रियाँ भी बढ़ी हैं, कटाव बहुत हुआ और वन काटे गए, वृक्ष कम हो गए, इन कारणों से पानी कम हो गया। जो भूजल जो का दोहन शुरू हुआ ना हमारे यहाँ बड़ी तेज़ी से हुआ है और आपको बताऊँ रायगढ़ ज़िले में हमारा जो है वो बहुत तेज़ी से पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वाटर का जो लेवल है वो नीचे चला गया हमारे रायगढ़ ज़िले का ऊपर, तो ये बड़ा चिंता की बात है। और जैसे जैसे भूजल का ज़्यादा उपयोग होना शुरू हुआ है तो उसका असर भी सारे नदियों पर, लोगों पर, समाज में पड़ने हैं। पानी की अभी जो हमारे यहाँ जल आवर्धन योजना बन रही है, पानी की आपूर्ति तो होगी लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि वो पानी बेहतर होगा, ये बड़ा सोचनीय विषय है। ग्राउंड वाटर ही लोग पियेंगे, आप तो इसको तो पीने योग्य भी नहीं रहेंगे ना पानी, तो केलो का पानी अब आप सोचिए शहर में पहले कहीं से भी पानी पिया जा सकता था, अब नहीं पी सकते। प्राकृतिक संसाधन थे हमारे वो निरंतर घटते हुए, रायगढ़ नगर निगम 1901 को स्थापित हुआ और तब से वो पानी बेच रही है, टैक्स ले रही है, तब से वो पानी बेच के पैसा वसूल कर रही है। मेरा सवाल है कि क्या निगम ने केलो के संरक्षण संवर्धन के लिए कुछ किया है, 1 रुपया खर्चा किया है? पानी की समस्या तो आने वाले समय में रहेगा ही रहेगा, अगर हम लोग समय रहते इनके संरक्षण के लिए कुछ करें, ये तो आने वाले 15-20 सालों में लोग पानी पीने के लिए तरस जाएंगे।